हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नम्रता की शादी कुणाल से हो जाती है। नम्रता घर आती है और उसकी मुंह दिखाई पर उसकी सास कृष्णा उसे नेकलेस देती है। तभी नम्रता को पता चलता है कि दोनों की पसंद एक ही है और नम्रता बोलती है, मम्मी जी ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आया तो मैंने तेरे लिए खरीद लिया। अच्छा ये बता, तुझे और क्या क्या पसंद है? मुझे तो आराम करना पसंद है, एक बार भी आराम करने को नहीं बोला। क्या सोचने लग गई बेटा, ऐसा करो हाथ मुंह धोकर आराम कर लो। नम्रता फ्रेश होकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। नम्रता अपने कमरे में आराम कर ही रही होती है कि थोड़ी देर में उसकी सास उसके कमरे में जाती है। तभी नम्रता उठकर बैठ जाती है और कृष्णा उसे रोकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, बाद में आती हूँ। मम्मी जी मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है, आओ ना बैठो मेरे पास आकर। हाँ याद आया, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुझे खाने में क्या पसंद है। मुझे तो मम्मी गोलगप्पे, दही भल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, कढ़ी चावल, पनीर टिक्का। अरे अरे ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, हम दोनों की पसंद तो खाने में कितनी मिलती है। आप तो शक्ल से ही चटोरी दिखती हैं। सच में मम्मी जी आपको भी ये सब कुछ पसंद है? बेटा आज क्या सब्जी बनाएं? मम्मी जी पनीर बना देती हूँ फिर। अरे बेटा आज तुमसे खाना थोड़ी बनवाएंगे, तुम कल से बनाना। अच्छा ठीक है, तो मैं भी आपके साथ किचन में चलूंगी। रात को कुणाल जब घर आता है फ्रेश होकर खाना खाने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी कृष्णा अपने बेटे को खाना परोसते हुए बोलती है, कुणाल बेटा नम्रता और मेरी पसंद बहुत मिलती है। वो कैसे मम्मी? जो मैंने बहू को नेकलेस सेट दिया था उसको वो पहले से ही पसंद था, और जो खाने में इसे पसंद है वही मुझे भी पसंद है। ये तो अच्छी बात है मम्मी, अब तो आपको किसी भी चीज में परेशानी नहीं होगी। हाँ बेटा ये तो है, हमारी पसंद सेम टू सेम है, लगता है तुझसे ज्यादा मुझसे बहू की पसंद मिलती है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद कृष्णा के पास उसकी बहन का कॉल आता है, तो उसको पता चलता है कि उसकी बहन की पोता हुआ है और उसने कुआ पूजन पर सभी को आमंत्रित किया है। तभी कृष्णा अपनी बहू से बोलती है, बहू मार्केट चलना है, मीना के पोता हुआ है, कुआ पूजन पर उसने सबको बुलाया है। जी मम्मी जी, कब का है कुआ पूजन और क्या लेकर चलना है बच्चे के लिए? बुधवार का बता रही थी, देखो क्या पसंद आता है, कल चलते हैं मार्केट, वहीं देखते हैं। दिन गुजर जाता है। अगली सुबह होते ही कुणाल को ऑफिस भेजने के बाद कृष्णा और नम्रता मार्केट जाते हैं और दुकान पर एक सुंदर से रोमपर पर कृष्णा की नजर पड़ती है और वो अपनी बहू से धीरे से बोलती है, बहू इसको क्या बोलते हैं, ये जो नीला सा कपड़ा लटक रहा है बढ़िया लग रहा है। मम्मी जी वो रोमपर है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। भैया कितने का है ये रोमपर सूट? 2000 रुपए का है मैडम। 2000 का? साथ वाला तो 1500 का दे रहा था। तो आप पैसे ले लो, हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो आंटी जी। ये कलर नहीं था इसलिए नहीं लिया, मेरी बहू को यही पसंद आ रहा है। दुकानदार से बहस करती हुई कृष्णा को उसकी बहू रोकते हुए बोलती है, अरे ये अच्छा लग रहा है, ये ले लीजिए ना, महंगा ही आता है। नम्रता और उसकी सास कपड़े लेकर दुकान से बाहर निकलती है और बाजार में चलते चलते वो अपनी बहू से बोलती है, बढ़िया लग रहा है रोमपर तो, अब तो मुझे कब दादी बना रही है, अब तो मीना भी दादी बन गई, मैं कब बनूंगी। चलो मम्मी जी हम अपनी साड़ियों की शॉपिंग यहाँ से करते हैं, इसके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग यहीं से की थी। अच्छा बहुत सुंदर थी तेरी साड़ी, फिर तो यहीं से लेनी पड़ेगी। नम्रता और कृष्णा दुकान में चले जाते हैं और दुकानदार से अपने अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ निकलवाते हैं। दुकानदार निकाल कर साड़ियाँ दिखाता रहता है लेकिन सारी साड़ियाँ देख कर दोनों सास बहू भी मना करती रहती है। इस बार नम्रता की नजर डमी ने जो साड़ी पहनी थी उस पर जाती है और वो बोलती है, भैया ये वाली साड़ी दिखाना जरा। हाँ हाँ यही वाली, अच्छी लग रही है। साड़ी तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए भी ये निकाल दो भैया।
माता जी, ये हमारे पास एक ही साड़ी बची थी। अरे ऐसे कैसे, सही से देखो, मिल जाएगी। माता जी, ये साड़ी के पीस 4 आते हैं, जिसमें से ये लास्ट पीस है। इसके पैसे बता कितने की है? 5,000 की है माता जी। अच्छा, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? आपके लिए लास्ट 4,500 लगा रहा हूँ। ना, ये तो बहुत ज्यादा है, 4,000 ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दे, और साड़ी दिखा दे ऐसी ही बढ़िया सी मेरी बहू के लिए भी। नहीं मम्मी जी, मुझे यही साड़ी पसंद है, मैं यही लूंगी। बेटा तू दूसरी देख ले, मुझे भी यही अच्छी लग रही है। मम्मी जी, ये साड़ी मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, मैं लूंगी तो यही साड़ी लूंगी। आप अपने लिए दूसरी साड़ी देख लीजिए। भूल मत, पैसे कम मैंने करवाए हैं, मैंने भी साड़ी पसंद करी है। नम्रता और कृष्णा के बीच बहस चल रही होती है और नम्रता साड़ी उठा लेती है। उसके हाथ में से कृष्णा साड़ी खींचती है और दोनों साड़ी के एक एक कोने पकड़ कर खींच रही होती है कि तभी साड़ी फट जाती है और दुकानदार बोलता है, अरे मेरी दुकान के आगे भीड़ मत लगाओ, इसके पैसे दो और अपने घर जाओ। तभी कृष्णा फटी साड़ी देखकर छोड़ देती है। दुकानदार जिद करके दोनों से पैसे मांगता है। तभी नम्रता बोलती है, देखिए आपकी वजह से ये साड़ी फट गई, अब कैसे पहनेंगे इसे, और इसके पैसे भी भरने पड़ेंगे। मैं क्यों भरूंगी, तू भी तो खींच रही थी इसे। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है आप दोनों ने, अगर आपकी लड़ाई खत्म हो गई हो तो मुझे मेरे पैसे दो और मेरी दुकान खाली करो। नम्रता दुकानदार को पैसे देती है और फटी हुई साड़ी लेकर घर आती है। शाम को जब कुणाल घर आता है तो नम्रता और उसकी माँ मुंह फुलाए अलग अलग बैठी होती है। कुणाल दोनों को मुंह फुलाए देखता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा उतरा लग रहा है, कोई बात है जो दोनों चुप चुप नजर आ रही हो। कृष्णा वहाँ से चली जाती है। इतने में कुणाल नम्रता से पूछता है और नम्रता कुणाल को बताती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मम्मी जी से मेरी लड़ाई हो गई। ऐसी क्या बात हो गई जो दोनों की लड़ाई हो गई? हम दोनों को एक ही दुकान पर एक ही साड़ी पसंद आई और वो भी फट गई मम्मी जी की वजह से। दोनों की एक ही पसंद है फिर भी लड़ाई हुई, जरूरी थोड़ी है दोनों एक ही साड़ी के लिए लड़ो, तुम कुछ और पहन लेती। अब ऐसा करो उसका सूट सिलवा लो। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, आज ही मैं उस साड़ी का सूट बनवा लेती हूँ। नम्रता उस फटी हुई साड़ी को लेकर जाती है। तभी उसकी सास उसे बाहर जाता देखकर टोकते हुए बोलती है, रुक बहू, मुझे भी वो साड़ी का कपड़ा बहुत पसंद है, मैं भी सूट सिलवा लेती हूँ। क्या मम्मी जी, आप सेम टू सेम मेरे जैसे कपड़े पहन के जाएंगी क्या, आप कुछ और पहन लीजिए। मुझे वही पसंद है, मैं भी उसका सूट सिलवा कर पहन कर जाऊंगी, और इसमें मेरी क्या गलती कि हम दोनों की पसंद एक ही है। तो आप एक काम कीजिए, आप इस साड़ी का सूट सिलवा लीजिए, मैं अपनी कोई दूसरी साड़ी पहन कर चलती हूँ। ना तो हम सेम कपड़े पहनेंगे, ना ही हमारी लड़ाई होगी, क्यों, है ना बढ़िया आइडिया? हाँ बहू बढ़िया आइडिया है, तू तो हर कपड़ों में सुंदर दिखती है, तुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है, तू कुछ भी पहन ले सब बढ़िया लगेगा। कृष्णा और उसकी बहू जाने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर लेती है। दोनों अलग अलग कपड़े पहन कर आती है और कुआ पूजन में जाने के लिए साथ में घर से निकलती है। कृष्णा और नम्रता की एक पसंद की बहस खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।